आज हम हॉलीवुड की कुछ ऐसी हॉरर फिल्मों के बारे में बात करने वाले हैं जो ना सिर्फ अलग स्टोरी दिखाती है बल्कि इन फिल्मों में ऐसे भयानक सीन हैं जो आपके भी होश उड़ा सकते हैं। तो वो लोग जो ये कहते हैं कि उन्हें कोई भी हॉरर फिल्म नहीं डरा सकती, तो ये फिल्में सिर्फ उनके लिए बनी है। शर्त बस इतनी है कि इन फिल्मों को अकेले में ही देखना है। और हाँ, इन फिल्मों में कुछ सीन ऐसे हैं जो काफी ज्यादा सेंसिटिव है, तो बच्चे इन्हें ना ही देखे तो ज्यादा अच्छा होगा। तो अब बिना देर के शुरू करते हैं ये वीडियो। इस लिस्ट में पहली फिल्म का नाम है मैनियक। साल 2012 में रिलीज हुई इस फिल्म को डायरेक्ट किया था फ्रैंक हेलफोन ने, जिन्होंने इससे पहले पिराना और रॉन्ग टर्न जैसी फिल्मों को डायरेक्ट किया था। और वो फिल्म कितने कमाल की थी ये बताने की जरूरत तो शायद नहीं है। अब अगर बात करें इस फिल्म की, तो ये बाकी हॉरर फिल्मों से काफी ज्यादा अलग है। इस फिल्म की स्टोरी इतनी ज्यादा अजीब है कि हमें अपने इंसान होने पर भी शायद घिन आने लग जाए। इस फिल्म की सिर्फ स्टोरी ही नहीं, बल्कि इस फिल्म में कुछ सीन ऐसे भी हैं जो किसी कमजोर दिल वाले इंसान को शोक देने के लिए काफी हैं। बाकी ये फिल्म बच्चों के लिए नहीं है। और अगर आप ये फिल्म देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताना। अगली जो फिल्म है, एक ऐसी फिल्म है जो 8 देशों में बैन है, ना सिर्फ इसके कॉन्सेप्ट की वजह से बल्कि इसकी बोल्डनेस की वजह से भी। इस फिल्म का नाम है एंटी क्राइस्ट। साल 2009 में रिलीज हुई इस फिल्म को डायरेक्ट किया था लॉर्स वॉन ट्रायर ने। इस फिल्म के बैन होने के पीछे पहली वजह तो है इसका कॉन्सेप्ट, जो कि इसके नाम से ही पता चल जाता है, यानी कि ये फिल्म ईश्वर के खिलाफ है। दूसरी ये फिल्म इतनी ज्यादा बोल्ड है कि अगर इंडिया में फिल्म बनती तो इसके मेकर्स को सेंसर बोर्ड के कहने पर जेल में डाल दिया जाता। खैर, अगर आप ये फिल्म देखना चाहते हैं तो अमेजन प्राइम वीडियो पर जाकर इसे देख सकते हैं। इस लिस्ट की अगली फिल्म का नाम है अंडर द स्किन। ये फिल्म साल 2013 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था जोनाथन ग्लेजर ने। जोनाथन ग्लेजर ने लगभग 10 साल में इस फिल्म की स्टोरी लिखी थी और इस फिल्म के ज्यादातर सीन हिडन कैमरे से शूट किए गए थे। इस फिल्म में लीड रोल में है स्कारलेट जॉनसन, जिन्हें लोग आज के टाइम में ब्लैक विडो के रोल के लिए जानते हैं। अंडर द स्किन स्कारलेट जॉनसन की अब तक की सबसे बोल्ड फिल्म थी और ये आप इस फिल्म को देखकर समझ भी जाओगे। ये फिल्म एक साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म है और बोल्ड सीन्स के साथ ही इस फिल्म के एंड में कमाल का सस्पेंस भी है, तो एक बार तो फिल्म देखनी बनती है। हमारी लिस्ट की अगली फिल्म का नाम है होस्टल। साल 2005 में रिलीज हुई इस फिल्म को डायरेक्ट किया था एली रोथ ने, जिन्होंने केबिन फीवर जैसी जबरदस्त हॉरर फिल्में बनाई हैं। होस्टल एक स्लेशर फिल्म है जिसका कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा अलग है। इस फिल्म की कहानी एक साइकोपैथ डॉक्टर की है जो किसी हैवान से कम नहीं है। वो एक ऐसा बिजनेस चलाता है जिसके बारे में सोचकर भी किसी के होश उड़ जाएं। इस फिल्म में इंसानों को काटने और मारने के सीन इतने भयानक हैं कि किसी को भी चक्कर आ सकते हैं। इस फिल्म की एक और खासियत है और वो है इसके बोल्ड सीन। फिल्म में काफी ज्यादा और अलग ही लेवल के बोल्ड सीन हैं जो आपको भी इस फिल्म का फैन बना देंगे। अगली फिल्म का नाम है वैम्पायर्स। ये फिल्म 1974 में रिलीज हुई थी और इसे डायरेक्ट किया था जोस रेमन ने। अब रिलीज के हिसाब से फिल्म थोड़ी पुरानी है, लेकिन आज भी फिल्म क्लासिक बोल्ड फिल्मों में शामिल है। ये फिल्म बेस्ड है दो फीमेल वैम्पायर्स पर जो कि लेस्बियन है। अब जिन्हें इस वर्ड का मतलब नहीं पता वो गूगल कर लेना। तो उस टाइम पर इस फिल्म को मिक्स रिव्यूज मिले थे। किसी ने इस फिल्म को हद से ज्यादा बोल्ड बताया तो किसी ने इसे अपने टाइम से काफी आगे की फिल्म कहा। हाँ, लेकिन आज के टाइम में ये फिल्म अपनी एक अलग ही जगह रखती है उस ऑडियंस के बीच में जो हॉरर फिल्मों में सेंसुअल एलिमेंट्स देखने के शौकीन है। इस लिस्ट की अगली फिल्म काफी ज्यादा स्पेशल है और खासकर आपको फिल्म रिकमेंड की जाती है। इस फिल्म का नाम है थर्स्ट। ये फिल्म रिलीज हुई थी साल 2009 में और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था ओल्ड बॉय जैसी फिल्म बना चुके चैन वूक ने। थर्स्ट एक कोरियन फिल्म है और उस हिसाब से इस फिल्म का थीम काफी ज्यादा डार्क और इरोटिक है। इस फिल्म में कहानी एक पादरी की जो कि वैम्पायर बन जाता है। इस पादरी को प्यार हो जाता है खूबसूरत लेकिन शादीशुदा लड़की से। ये दोनों काफी बार इंटीमेट भी होते हैं, लेकिन एक ऐसा रिश्ता जिसके बारे में सोचना भी पाप है, उसका अंजाम कैसे अच्छा हो सकता है, तो इस फिल्म का एंड भी अच्छा नहीं होता। इस फिल्म में काफी जबरदस्त सीन्स हैं, तो अगर आप ये फिल्म अकेले में ही देखें तो बेहतर होगा। इस लिस्ट की अगली फिल्म है दी कैबिन इन दी वुड्स। साल 2012 में रिलीज हुई इस फिल्म को डायरेक्ट किया था ड्रियो गेडार्ड ने। ये एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है जो कुछ ज्यादा तो हॉरर नहीं है, लेकिन हमारी लिस्ट में इस फिल्म का नाम इसलिए है क्योंकि काफी ज्यादा बोल्ड है। ये फिल्म बेस्ड है ज़ॉम्बी अटैक पर और उससे सर्वाइव करने के स्ट्रगल पर। हाँ, फिल्म के कुछ सीन आपको नए लग सकते हैं, लेकिन बाकी फिल्म अदर ज़ॉम्बी फिल्मों की तरह है। खैर, इस फिल्म को ज्यादातर लोग इसके कुछ स्पेशल सीन्स के लिए ही देखते हैं, तो अगर आप भी उसी तरह के सीन देखना चाहते हो तो ये फिल्म एक बार देखी जा सकती है। इस लिस्ट की अगली फिल्म का नाम है अमेरिकन साइको। अगर किसी साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म की बात हो और इस फिल्म का नाम ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है? साल 2000 में रिलीज हुई इस फिल्म को डायरेक्ट किया था मेरी हेरोन ने। ये फिल्म हमें एक ऐसे साइकोपैथ की कहानी दिखाती है जो कि दुनिया के सामने एक नॉर्मल सा दिखने वाला आदमी है, लेकिन उसके दिमाग में हर वक्त शातिर खेल चलता रहता है। इस फिल्म में इस साइकोपैथ के जो बोल्ड सीन दिखाए गए हैं वो शायद आपको भी डिस्टर्बिंग लग सकते हैं, क्योंकि इन्हीं की वजह से ये फिल्म काफी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी में रही थी। अगली फिल्म है जेनिफर्स बॉडी। ये एक ब्लैक कॉमेडी हॉरर फिल्म है जो रिलीज हुई थी साल 2009 में और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था करीम कुसामा ने। इस फिल्म में लीड रोल में है मैगन फॉक्स और इसके बाद आपको बताने की शायद जरूरत नहीं है कि ये फिल्म कैसी है। इस फिल्म का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है और शायद कई लोगों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी ये फिल्म देखने में काफी ज्यादा कमाल की है। आपको भले ये फिल्म देखकर डरना लगे, लेकिन जो आप देखना चाहते हैं वो सब इस फिल्म में आपको देखने को मिल जाएगा। नंबर 10 पर हमारी लिस्ट में तीन फिल्में हैं। पहली है फ्राइडे दी 13th जो रिलीज हुई थी साल 2009 में, इसमें हॉरर और बोल्डनेस दोनों कमाल के थे। दूसरी फिल्म है स्प्लाइस, ये फिल्म भी साल 2009 में रिलीज हुई थी। और तीसरी है एक बॉलीवुड फिल्म है जिसका नाम है रागिनी MMS। अब नंबर 10 पर कौन सी फिल्म होनी चाहिए या आप कमेंट करके बताना, और इन तीनों फिल्मों के अलावा आपके दिमाग में किसी फिल्म का नाम है तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो। तो दोस्तों, यह है 10 बोल्ड हॉरर फिल्में। आपकी फेवरेट हॉरर फिल्म
कौन सी है और आपके अनुसार हॉलीवुड और बॉलीवुड में से कौन अच्छी हॉरर फिल्में बनाता है, ये कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक जरूर कर दें। बाकी अपने और अपनों को सेफ रखें और हाथ धोते रहें।